आपका बीओसी जोन केमगुरु चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग आज हमारे साथ यूपी बोर्ड से संबद्ध जो कक्षा 11 का सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसको पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूं, कुछ बेसिक आइडिया शेयर कर दूं कि रसायन विज्ञान में आप पढ़ते क्या है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम लोग इन जनरल जो सब्सटेंस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, विभिन्न पदार्थ हो सकते हैं, उन पदार्थों की संरचना के बारे में हम इंफॉर्मेशन पढ़ते भी हैं और खोजते भी हैं, ठीक, और सीखते भी हैं। ये तीनों काम की जाती है, संरचना सीखने की कोशिश करते हैं, खोजने की भी कोशिश करते हैं संरचना, ठीक है, और पढ़ने की भी कोशिश करते हैं, ये तीनों। गुण भी इसी तरह है, गुण में भी यही बातें लागू होंगी, आप सीखेंगे भी, खोजेंगे भी, ठीक, ओके, और पढ़ेंगे भी। संरचना, गुण और संगठन, मतलब कोई पर्टिकुलर पदार्थ किन अन्य छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, उसको भी केमिस्ट्री में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि इसका ऐसा क्या है कि केमिस्ट्री इतना बढ़िया ब्रांच हो जाता है साइंस का। तो यहाँ पे हम लोग रसायन विज्ञान का इतिहास पहले जानेंगे। रसायन विज्ञान का इतिहास, विज्ञान का इतिहास, ठीक, इसका इतिहास बहुत रोचक है। जितना रोचक ये सब्जेक्ट है उतना रोचक इसका हिस्ट्री भी है, ओके। सबसे पहले मैं बात करता हूं मिस्र की और इंडिया की, मैं बात करता हूं। अगर मैं इस ब्रांच की बात करूं केमिस्ट्री की, इस ब्रांच की, तो यहां पे शब्द आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब होता है कीमियागरी, ओके, कीमियागरी, ठीक। कीमियागरी के बारे में भी हम कुछ इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करेंगे, ठीक। और इसको अगर मैं इस पूरे शब्द को, इस पूरे वर्ड को शॉर्ट करूं, तो इससे एक शॉर्ट वर्ड निकलता है कीमिया, जिसका मतलब होता है काला रंग, ओके, काला रंग, या इसी की जगह पे आप काली मिट्टी भी कह सकते हैं, ठीक, ओके। ये जो टर्म आ रहा है ये मिस्र से संबंधित है, मिस्र से संबंधित, और ये जो टर्म आ रहा है ये भी आपका मिस्र से संबंधित है। इसका मतलब हम लोग कुछ कह सकते हैं इस तरह कि केमिस्ट्री का जो हिस्ट्री रहा है वो मिस्र देश से रिलेटेड है बहुत कुछ हद तक, ओके। तो रसायन विज्ञान का इतिहास को हम लोग जब सीखने का प्रयास करते हैं तो उसमें सबसे पहले मिस्र नामक देश आ जाता है, क्योंकि जो इस शब्द की उत्पत्ति हुई है वो मिस्र के जो कीमियागरी करते थे, जो पर्सन, जो लोग, जो व्यक्ति, उसी से ये शब्द बनाया गया केमिस्ट्री, ओके, कीमियागरी। अब कीमियागरी में क्या होता था, कीमियागरी में तीन बातें होती थी, उनमें दो बातें मेन थी। एक ये कि कुछ धातुएं जो होती थी, सस्ती धातुएं, ठीक है, उस जमाने में वहां पे टीन, टीन और तांबा ज्यादा पॉपुलर हुआ, एसएन और तांबा, कॉपर। इन धातुओं को मिस्र के जो लोग थे, जो इस कला में माहिर थे, जो कीमियागरी कला में माहिर थे, जो कीमियागर थे, ठीक, कीमियागर व्यक्ति होते थे, वो इन धातुओं को जो सस्ती होती थी उनको वो आर्टिफिशियल गोल्ड में बदलते थे, ठीक है। तो इसमें केमिस्ट्री के सिद्धांतों का यूज होता था। तो वहां पर जब ये केमिस्ट्री को करने वाले, कीमियागरी को करने वाले, ओके, कीमियागर जो एक विशेष पर्सन होते थे, जो सस्ती धातुएं होती थी, टीन, बेसिकली तांबा,
जिनको वो आर्टिफिशियल गोल्ड में बदलने का काम करते थे। उनका प्रयास यह भी होता था कि कुछ ऐसा पेय पदार्थ बनाया जाए जिसको लोग पीकर अमृत को प्राप्त हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य तौर पे आदमी बूढ़ा नहीं होना चाहता, वो जवान बच्चा भी नहीं रहना चाहता, जवानी में भी रहना चाहता है। तो इस स्थिति में ही वो ऑलवेज बना रहे, उस स्थिति में ही वो ऑलरेडी ऑलवेज रहे, उस स्थिति में रहने के लिए वो जो किमियागर होते थे, वो जिस पेय पदार्थ का निर्माण करना चाहते थे उसके लिए उनको किमियागरी करनी होती थी, अर्थात केमिस्ट्री करनी होती थी। तो उनका टारगेट यह भी था। पहला टारगेट सस्ती धातुओं से आर्टिफिशियल गोल्ड का निर्माण करना। दूसरा जो टारगेट था कि ऐसा कोई पेय पदार्थ बनाया जाए जिससे आदमी जवान बना रहे, या कुछ उनका यह भी प्रयास था कि बूढ़े आदमी भी जवान हो जाए। थर्ड में उनका ये टारगेट उन्होंने बनाया कि कुछ ऐसा लिक्विड बनाया जाए, एक ऐसा द्रव बनाया जाए जो सारे पदार्थों को डिजॉल्व कर ले। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने एक कला ही विकसित कर ली जिसको आप केमिस्ट्री या किमियागरी के नाम से जाना जानते हैं। तो इस शब्द का जो मेन उद्देश्य है, उसका यही उद्देश्य है कि हम लोग कोई ऐसा रासायनिक विधियां डेवलप करें जिसका उद्देश्य मानव के विकास में हो पाए। तो हम लोग यहां पे बेसिक रूप में यही देख रहे हैं कि केमिस्ट्री का मतलब क्या है, किमियागरी। किमियागर वैज्ञानिक थे, वो कुछ पर्सन होते थे स्पेशल। किमिया का मतलब आपने समझा, ये एक विशेष रंग की काली मिट्टी होती थी, काला रंग होता था जिसका प्रयोग वो विभिन्न प्रकार की डिजाइनों या मॉडलों को बनाने में करते थे, नक्काशी करने में करते थे। ये एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती थी जिसका कलर चेंज नहीं होता था बहुत लंबे समय तक। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा उसके संक्षिप्त इतिहास के वर्षों पर। जब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे, तो लगभग केमिस्ट्री का जो वर्ष है, जो इसका उदयमान वर्ष है या इसकी जो शुरुआत है, 3000 लगभग वर्ष, 3500 भी कह सकते हैं, लगभग केमिस्ट्री इतना वर्ष पुराना है, 3500 वर्ष पुराना। अगर मैं कुछ वैज्ञानिकों की बात करूं, फॉरेन वैज्ञानिकों की बात करूं, तो अरस्तु का नाम और प्लेटो का नाम आपने सुना होगा। अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व इनकी बात की जाती है, और प्लेटो नामक वैज्ञानिक की बात की जाती है 427 से 347 ईसा वर्ष पूर्व। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर चार मूलभूत तत्वों को, उन्होंने इन दोनों वैज्ञानिकों ने जिन पदार्थों की बात करी थी उनको चार मूलभूत तत्व उन्होंने बोला था। पृथ्वी उसमें शामिल था, वायु शामिल था, अग्नि शामिल था और जल शामिल था। अगर आप थिंक करोगे तो ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों ने अरस्तु जो 384 से 322 ईसा पूर्व के बीच में एग्जिस्ट कर रहे थे, और प्लेटो जो 427 से 347 ईसा पूर्व में एग्जिस्ट कर रहे थे, उन्होंने इन चारों पदार्थों को चार मूलभूत तत्वों का सिद्धांत माना या सिद्धांत दिया। ओके, कौन कौन सा? चार मूलभूत तत्वों का अगर सिद्धांत की बात करेंगे हुई, तो आप बताएंगे अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने, अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने और प्लेटो नामक वैज्ञानिक ने, इन दोनों ने मिलकर इनका जो एग्जिस्टेंस है वो 384 से 322 ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व। ओके, ईसा पूर्व। और जो प्लेटो का एग्जिस्टेंस काल है, मतलब इसके बीच में वो पैदा हुए, ये इस
में उन्होंने पैदाइश उनकी हुई और 347 ईसा पूर्व में उनका डेथ हो गया। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर चार मूलभूत तत्वों का सिद्धांत दिया, चार मूलभूत, ये विकास की बातें हो रही हैं, केमिस्ट्री की विकास कैसे हुआ, चार मूलभूत तत्वों का सिद्धांत, ओके, का सिद्धांत। तो किन वैज्ञानिकों ने मिलकर चार मूलभूत तत्वों का सिद्धांत दिया था, तो आप बताएंगे अरस्तु और प्लेटो, ये इनका काल है, ओके। तो इसमें पहला जो था वो पृथ्वी था, उसके बाद अग्नि, ऑर्डर बदल सकते हैं, जल था, उसके बाद आप कह सकते हैं वायु इनका चौथा मूलभूत तत्व था। ये तो रहा फॉरेन वैज्ञानिकों से रिलेटेड कुछ बातें। अब अगर मैं भारत की बात करूं, नोट करते जाइएगा इसको, चार मूलभूत तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था, तो अरस्तु और प्लेटो नामक वैज्ञानिक ने चार मूलभूत तत्वों का सिद्धांत दिया था। इसमें तत्व थे पृथ्वी था, वायु था, अग्नि था और जल था, ओके। ये फॉरेन की बातें अभी तक हो रही थी। मिस्र से जन्मा केमिस्ट्री अन्य देशों में भी जाने लगा। अब हम बात करेंगे भारत की। तो भारत में इस केमिस्ट्री को, इस किमिया गिरी को रस तंत्र, रस क्रिया या रस विद्या के नाम से जाना जाता है। रस तंत्र, रस तंत्र, रस क्रिया, रस क्रिया या रस विद्या, ओके। इन नामों से किमियागिरी को, किमियागिरी, आप हमारे साथ नया शब्द सीखिए, केमिस्ट्री को हिंदी में अगर आपसे कोई पूछे क्या कहते हैं तो किमियागिरी कहते हैं। शायद आप, हो सकता है इस शब्द को पहली बार सुन रहे हो, समझ रहे हो, ओके। तो भारत की मैं बात कर रहा था, भारत में इस शब्द को, केमिस्ट्री शब्द को, किमियागिरी शब्द को रस तंत्र, रस विद्या या रस क्रिया भी कहते हैं। अगर मैं इसको डीप में ले जाऊं तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता थी वहां से इसकी रस क्रिया, रस विद्या या रस तंत्र की शुरुआत होती है। कैसे? जो सिंध का, सिंध नदी का भूभाग था, उसके आसपास का वहां पे जो सभ्यता बसी उसको मोहनजोदड़ो, और जो पंजाब, पंजाब आप नाम से पता चल रहा होगा कि पांच नदियों का जो समूह है, वहां पे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। तो वहां पे जो मिट्टी के बर्तन बनते थे, मिट्टी के बर्तन ऑर्डिनरी बर्तन नहीं थे, अभी भी उसके अवशेष पाए जाते हैं, तो वो रस तंत्र या रस विद्या या रस क्रिया के द्वारा ही बनाए जाते थे, जिसको अभी भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अवशेष अभी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब केमिस्ट्री इंडियन कल्चर में उस जमाने में बहुत एडवांस हुआ करता था, ओके। ये बात जो हो रही है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है 1000 या 1000 से 2000, 1000 से 200 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है, ओके। हमारे यहां ये दोनों सभ्यताएं थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यताएं, जहां पे मिट्टी के बर्तन यूज होते थे। और आपने सुना होगा कि स्नानागार मिले हड़प्पा में भी, सभ्यता में भी और मोहनजोदड़ो में भी, बड़े भीमकाय स्नानागार मिले हैं, बहुत व्यवस्थित उनकी नगर व्यवस्था थी। तो उसमें जो ईंटों का प्रयोग होता था वो उन ईंटों को आप जानते हैं मिट्टी के बने होते थे, अभी भी उन्हीं को बना, उन्हीं से बनाते हैं पका के। तो उनको जब एक दूसरे से जोड़ा जाता था तो जोड़ने के लिए उस जमाने में जिप्सम का प्रयोग करते थे, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता था, जिसको आप चूना भी कहते हैं, उसका प्रयोग करते थे, और कुछ पेड़ पौधों के अवशेषों को वो गला के एक लसदार पदार्थ बनाते थे, इससे ईंटें को जोड़ने का कार्य करते थे। कुल मिलाकर लसदार पदार्थ आ गया, इसमें भी केमिस्ट्री है, रसतंत्र है, रस क्रिया है, रस विद्या है।
अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इंडिया के दूसरे सभ्यताओं पर, भारत के दूसरे सभ्यताओं पर। दक्षिण भारत का एक बहुत ही पॉपुलर जगह है मस्की, दक्षिण भारत का। ये मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री का क्या हिस्ट्री रहा है इंडियन सोसाइटी में, उसकी बात हो रही है। और हस्तिनापुर और वह तक्षशिला ये भी पॉपुलर रहे, लेकिन ये एरिया पड़ता था उत्तर भारत में ये दोनों। तो ये क्यों पॉपुलर हुए मस्की और तक्षशिला हस्तिनापुर? यहां पे जब अपने पुरातत्व विभाग वाले खोज कर रहे हैं, अवशेष जो इनको मिल रहा है, तो उनको कांच मिले ऐसे। तो कांच नॉर्मली रस क्रिया, रस तंत्र या रस विद्या से ही बनता है, जिसको आप किमियागरी मिस्र की भाषा में कहते हैं। अब इसको बनाने के लिए कांच तो बन गया, कांच आप सभी जानते हैं कि जो बेसिक कांच होता है ये जल की तरह ट्रांसपेरेंट होता है, ओके, जिसको आप जल कांच बोलते हैं। बट इसकी पेंटिंग से युक्त कांच के अवशेष मिले हैं। तो जब पेंटिंग किया जाता है तो धातुओं के ऑक्साइड का लेपन करते हैं, किनका लेपन करते हैं, यहां से क्या मिले हैं, कांच के अवशेष मिले हैं, ठीक है, रंगीन कांचों के अवशेष बेसिकली। तो ये धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड मैं बता दूं, कोबाल्ट, ठीक है, एफी, निकल, इनके जो ऑक्साइड होते हैं इनसे उनकी पेंटिंग की जाती है, तो ये कलरफुल हो जाते हैं। तो इन धातुओं के ऑक्साइड से पेंट किया गया तो कांच रंगीन होगा। तो ये मस्की जो दक्षिण भारत में पड़ता है, और हस्तिनापुर आप सभी जानते हैं कहां पे है, किसका पुराना नाम है, और आपका जो दूसरा है तक्षशिला जो बिहार का मोस्ट पॉपुलर एक जगह है, तो इन सॉरी ठीक है तक्षशिला, तो ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय आप सुने होंगे, तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो ये सब चीजें से, इन दोनों जगहों से ऐसे कांच की प्राप्ति हो गई हुई जो धातु ऑक्साइडों से लिपित थे। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ हम ग्रंथों पे अपनी बात करते हैं। ऋग्वेद जो अपना हिंदू धर्म का पुराना ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, कौटिल्य का अस्त्र शास्त्र, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, रसोपनिषद जिससे बारूद बनाने की कला का ज्ञान होता है, नागार्जुन जो थे मोस्ट पॉपुलर अपने यहां वैज्ञानिक, उन्होंने रस नाकर एक उन्होंने ग्रंथ लिखी थी जिसमें पारे का उन्होंने उल्लेख किया था, पारा अर्थात मरकरी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बृहत अपने इंडिया का किमियागरी रहा है, रस विद्या रहा है, रस शास्त्र रहा है, ओके, रस तंत्र रहा है। आगे अगर मैं बात करूं तो कक्र पाणी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड HGO का प्रयोग किया, ये आप कह सकते हो सिंदूर कह सकते हैं आप इसको, ठीक, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का प्रयोग किया था उन्होंने। साबुन उन्होंने एक बनाया था, साबुन में उन्होंने अरण, ठीक है, अरण का प्रयोग किया था, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया था, ओके, और महुआ जो होता है उसका प्रयोग करके उन्होंने साबुन बनाया था, यह आपको क्लियर हो रहा होगा। बरामहीर एक वैज्ञानिक कह सकते हैं आप उनको, ठीक है, उन्होंने बृहत संहिता लिखी जिसे विश्वकोश भी कहते हैं, उन्होंने उसमें जो चर्चा करी है उसमें घर कैसे बनाए जाते थे, उन्होंने उसमें उसकी चर्चा करी है, ठीक है। अथर्ववेद जो हमारा है उसकी जो मैं काल की बात करूं तो लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व की बात है, तो उसमें कैसे चीजों को रंगा जाए, रंजक पदार्थों की बात कर रहा है, रंजक पदार्थ के रूप में इस वेद में अथर्ववेद में हल्दी और सूरजमुखी का विशेष उल्लेख किया गया है कि इनसे जो अर्थ प्राप्त होता था इन्हीं को रंजक कहते थे, और इन्हीं रंजकों का प्रयोग जिसको आजकल डाई कहते हैं बालों को रंगने के लिए, ठीक है। तो उस जमाने में भी सोचिए
मैं 3500 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 3500 साल अमूमन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लगभग 2500 ईसा पूर्व की बात हो रही है यहाँ पे। तो उस जमाने में भी इंडिया का जो सोसाइटी था इतना एडवांस था कि सारी चीजों को वो लगभग बना चुका था, जो अब एडवांस तरीके से यूरोपियो के आने के बाद, यूरोपियन के आने के बाद ठीक आज डेवलप है। ओके, अब आते हैं मेन चीजों पे। आचार्य कणाद ने एक वैशेषिका सूत्र लिखा था, वैशेषिका सिका। ओके, वैशेषिका अगर मैं थोड़ा सा इसकी बात करूं एक्यूरेसी की, तो वैशेषिका ठीक है, वैशेषिका एक ग्रंथ था, वैशेषिका सूत्र ठीक है, ये महर्षि कणाद आचार्य कणाद ने लिखा था। ओके, अब इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने वो चीज बता डाली जो जॉन डाल्टन ने ये ईसा पूर्व की बात हो रही है, और जब ईसा समा शुरू हुआ जॉन डाल्टन का 1766 से लगभग 1844 का काल रहा है, तो आप सोचिए कि मैं जो बात कर रहा हूं यहां पे 600 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं। ओके, और जॉन डाल्टन साहब इस समय की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्या महर्षि कणाद, जिनका जो ओरिजिनल नाम था वो कश्यप था ठीक है, इन्होंने अपने वैशेषिका सूत्र में परमाणुओं से संबंधित इंफॉर्मेशन को उस दौरान लिख दिया था, उस दौरान बता दिया था परमाणु सिद्धांत के, ये इंडियन प्रस्तावक है। तो अगर आपसे पूछा जाए परमाणु सिद्धांत के भारतीय प्रस्तावक कौन थे, तो आप नाम बताएंगे प्रस्तावक महर्षि कणाद, जिनका ओरिजिनल नाम था कश्यप। इन्होंने अपने वैशेषिका सूत्र में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है। इस सिद्धांत में उन्होंने कहा है, जो डाल्टन ने कहा था 1766 और 1844 के बीच में जो एग्जिस्ट किए इस संसार में, तो महर्षि कणाद ने कहा था कि सभी पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बने हुए हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो ये हमारा इंडियन कल्चर था जो कितना एडवांस था उस जमाने में। बाद में चरक संहिता भी डेवलप हुआ, आयुर्वेद का ग्रंथ है वो अपने यहां का चरक संहिता, जिसमें धातुओं के भस्म का प्रयोग दवाइयों को बनाने में करते थे। भस्म नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो आजकल नैनो टेक्नोलॉजी से विकसित किए जाते हैं और आयुर्वेद दवाइयां बनाई जाती हैं। तो उस समय चरक संहिता, चरक वैज्ञानिक से आयुर्वेद के जो डॉक्टर हुआ करते थे उस जमाने में, चरक संहिता इन्होंने उस समय जो लौह भस्म बनाई थी वो नैनो पदार्थ की रेंज के थे, नैनो कण थे जो आजकल नैनो टेक्नोलॉजी से विकसित किए जाते हैं। तो ये मिस्र की कुछ बातें थी रसायन विज्ञान के इतिहास से रिलेटेड, कुछ इंडियन सोसाइटी की बातें थी, और जॉन डाल्टन को जोड़ने की कोशिश थी कि कैसे ये महर्षि कणाद, जिनको कश्यप भी कहते थे, उनसे क्या ये बहुत आगे थे या बहुत पीछे थे। चूंकि आप पूछेंगे कि जॉन डाल्टन क्यों पॉपुलर हो गए, अगर महर्षि कणाद सही थे तो जॉन डाल्टन कैसे पॉपुलर हो गए। जो ग्रंथों की कंपाइलिंग हुआ करती थी हमारे यहां, उनको आप देखेंगे तो उनका अवशेष जो खोजा जाता था, अवशेष नहीं मिलते, केवल घरों के या पदार्थों के अवशेषों से कल्पना किया जाता है कि ये चीज एग्जिस्ट कर रही थी, ये चीज एग्जिस्ट कर रही थी, ये चीज ईसा पूर्व की बातें मैं कर रहा हूं। तो उस दौरान की जो सर्च खोजें थी, उस दौरान की खोजें कंपाइल नहीं होते थे, ग्रंथों में नहीं लिखे जाते थे, लिखे भी जाते थे तो वो ऐसे रफली लिख लिए जाते थे ठीक है, उसका ऐसा नहीं कि जॉन डाल्टन की तरह था। तो जॉन डाल्टन इसी बात पे थोड़ा सा इनको ज्यादा प्रमोशन मिल गया और ये पॉपुलर हो गए, इन्होंने लिख डाली
परमाणु सिद्धांत आपका, ठीक है, जो फिर से मॉडिफाइड हुआ है, इनको बदला गया है, इनके सिद्धांतों को। ओके, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे कुछ रसायन विज्ञान का इतिहास। ओके, अब हम लोग अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का महत्व क्या है, रसायन विज्ञान का महत्व क्या है। ओके, जब ये वीडियो आपके पास जा रहा है तो ये कोरोना के टाइम का वीडियो आपके पास जा रहा है। इस समय एक दवा पॉपुलर हुई है, आप जानते होंगे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ये कहा जाता है कि एंटी मैलेरियल मेडिसिन है, ये इतना पॉपुलर है, सोचिए कि, या टैमोफ्लू इस समय पॉपुलर है। तो ये दोनों दवाओं को किस विधि द्वारा बनाया गया होगा, किमियागरी, केमिस्ट्री यहां पे भी है। तो रसायन विज्ञान का इतना महत्व है, आप सोच सकते हैं, कोरोना जो बीमारियां ठीक हो रही है, जो कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं, ये इसी साइंस की देन है कि कुछ उनके स्वास्थ्य में लाभ मिल रहा है। तो पहला मैं यहीं से ले ले रहा हूं, औषधि के क्षेत्र में। ओके, औषधि के क्षेत्र में आपको डिटेल्स नहीं लिखना है। ओके, सेकंड, खाद्य पदार्थों व उनके उनके संरक्षण में। ओके, उनके संरक्षण में, बचाव में, एक नाम आता है सोडियम बेंजोएट का, ये मोस्ट कॉमनली फूड प्रिजर्वेटिव होता है। ओके, फूड प्रिजर्वेटिव। ओके, खाद्य परिरक्षक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी किमियागरी की देन है, केमिस्ट्री की देन है। कृषि में भी इसका प्रयोग होता है, केमिस्ट्री का। तो यहां पे जो हम लोगों का थर्ड यूज होगा केमिस्ट्री का, कृषि क्षेत्र में कुछ नाम हम आपको बता देते हैं, डीडीटी, गैमेक्सीन। ओके, नाम से आपको पता चल रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है। जो खादे बनाए जाते हैं, यूरिया बनाया जाता है, या जो अदर पोटेशियम सॉल्ट बनाए जाते हैं, उसको बनाने के लिए इसी किमियागरी का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके तीन प्रयोग हमने लिखा, उपयोग लिखा है, ठीक है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश करी है। चौथा आपका जो है, ये खाद्य पदार्थों के संरक्षण में तो हो गया, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग है, चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा क्या हो जाता है इसमें, एक्सरे, आप इसे भरी बात परिचित होंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई। ओके, ये सब ब्रेन से रिलेटेड, ये एक्सरे किया जाता है। ओके, आप इसको भी समझ रहे होंगे। और जो पांचवा है, दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, दैनिक जीवन में, तो दैनिक जीवन में आप सभी जानते हो, बाल्टी है। ओके, विभिन्न चीजें हैं, ये मार्कर है मैं जिससे लिख रहा हूं, तो ये इनका एप्लीकेशन है। और लास्ट में जो केमिस्ट्री का एक बहुत बढ़िया प्रयोग है, उसको मैं बता दूं कि रक्षा विज्ञान, भू विज्ञान, पर्यावरण के संरक्षण में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे रक्षा संबंधी जरूरतों, भू संबंधी जरूरतों और पर्यावरण संबंधी जरूरतों को भी इस साइंस के ब्रांच से संभाला जाता है। ओके, तो आज का ये मेरा आपके साथ कुछ पॉइंट्स थे जो डिस्कस करने थे। ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं। उसमें जो पहला हमने टॉपिक लिया था रसायन विज्ञान का इतिहास, जिसको आपने देखा कि कैसे केमिस्ट्री उत्पन्न हुई, केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, किमिया क्या है। ओके, भारतीयों के संदर्भ में केमिस्ट्री क्या था। ओके, जॉर्ज डाल्टन किस वैज्ञानिक से कंसर्न थे, रिलेटेड थे। ओके, और लास्टली
रसायन विज्ञान की इंपॉर्टेंस। ओके, तो ये दो टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा। ओके, अगर आप लोगों को ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस प्रयास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।